हेलो दोस्तों, नमस्कार। तहे दिल से आपका स्वागत है रेल एडवेंचर यूट्यूब चैनल में। आप देख पा रहे हैं आज विक्रमशिला का 43rd बर्थडे होने वाला है और इसकी सेलिब्रेशन की तैयारी भागलपुर यार्ड में स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है इसके कोचों को। मैं आगे चल रहा हूँ कोचेस के साथ, आप देख पाओगे कितने अच्छे से इसको सजाया गया है। विक्रमशिला सुपरफास्ट के बारे में बता दूँ, 1977 में पहली बार ये ट्रेन 6 मार्च को स्टार्ट हुई थी चलना। आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर फूलों से इसको सजाया जा रहा है, इसके हर कोचेस को सजाया जा रहा है। बैलून्स वगैरह सब लगाए गए हैं, फूलों के गुलदस्तों के साथ भी इसको सजाया गया है। मैं आपको इस ट्रेन के बारे में बताना चाहता हूँ। मालदा डिवीज़न की इकलौती ऐसी ट्रेन है जो डेली रनिंग सुपरफास्ट ट्रेन है। बाकी जितनी भी ट्रेन है वो ऐसी कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है जो डेली चलती है मालदा डिवीज़न से। और इस ट्रेन में अब हर वो आधुनिक फैसिलिटी अवेलेबल है। ये हेड ऑन जनरेशन से चलती है, ये इलेक्ट्रिक लोको से एंड टू एंड चलती है, इसमें LHB कोचेज हैं, इसकी स्पीड भी अब 130 किलोमीटर पर आवर हो गई है। ये बहुत स्पेशल ट्रेन है भागलपुर रेलवे स्टेशन के लिए। और ईस्टर्न रेलवे की मालदा डिवीज़न के अंदर इस ट्रेन को किंग कहा जाता है। आप देख पा रहे हो बैलेंस के साथ भी कितने सुंदर बैलेंस के साथ इसको सजाया गया है। बहुत जल्द इसको प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा, इसके बाद वहाँ पे ऑफिशियल इसका बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाएगा केक काट के। DRM मालदा ऑलरेडी भागलपुर आ चुके हैं। भागलपुर यार्ड से आप ये नज़ारा देख पा रहे हो, बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है विक्रमशिला सुपरफास्ट को। मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं कुछ टाइमलाइन। 1977 में 6 मार्च को ये ट्रेन पहली बार चली थी। इसके बाद इस ट्रेन को इंटीग्रेट कर दिया गया था 1980 में मगध एक्सप्रेस के साथ। फिर 2012 में 1 जुलाई को इसको सेपरेट आइडेंटिटी दे दी गई थी, जिसके बाद ये ट्रेन मगध से अलग होकर भागलपुर से सेपरेट ट्रेन बन के चलने लगी। और इस ट्रेन को 2010 में इसका टर्मिनल चेंज भी कर दिया गया था। पहले न्यू दिल्ली तक चलती थी, बाद में ट्रेन आनंद विहार तक चलने लग गई। आप देख पा रहे हो उसके हर कोचेस को बहुत सुंदर सलीब से सजा दिया गया था। मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में लगातार आपको बताता रहूँगा, जब वहाँ ऑफिशियल सेरेमनी होगी तब भी मैं बताऊँगा। 2010 के बाद सीधा इस ट्रेन में जो अगला अपग्रेडेशन हुआ 2017 में हुआ, जब इसमें LHB लेटेस्ट 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड क्षमता वाले लेटेस्ट मॉडर्न LHB कोचेज लगा दिए गए। और 2017 कंप्लीट हो जाने के बाद इसके बाद जो अगला इसमें अपडेशन हुआ 2019 में हुआ, जब इस ट्रेन को 1 जून को पहली बार इलेक्ट्रिक लोको के साथ चलाया गया। उसके बाद अगस्त में इसको हेड ऑन जनरेशन से इसकी पहली रैक को इनेबल कर दिया गया और अभी इसकी 2 रैक इनेबल है हेड ऑन जनरेशन से। और फिलहाल अब 19 फरवरी को इसको 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अपग्रेड कर दिया गया है। तो राजधानी कॉम्पेटेबल ये ट्रेन हो चुकी है स्पीड के। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सुंदर फूलों से सजाया गया है यार्ड में। काफ़ी मेहनत करके लोगों ने इस ट्रेन को बहुत खूबसूरती से सजाया है। आगे मैं इसका बर्थडे सेलिब्रेशन स्टेशन पर कवर करूँगा, तो आपको अगला अपडेट देता हूँ। चलिए, धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़े रहें और हर अपडेट के लिए आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा, आज इस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आज पूरा दिन जो भी वीडियो आएगा वो बर्थडे सेलिब्रेशन से रिलेटेड होगा, फिर मैं आपको बर्थडे से बताता रहता हूँ। आगे भी चलते हैं इसके एंड पॉइंट तक और मैं आपको दिखाता हूँ। सजावट का काम लगातार प्रोग्रेस में, काफ़ी लोग यहाँ पे लगे हुए सजावट करने के लिए। कोचेस को बहुत ही साफ सुथरा रखा गया। आप देख पा रहे हैं कितना साफ है सुंदर कोच विक्रमशिला सुपरफास्ट। आप ये ट्रेन बोर्ड भी देख पा रहे हैं, बैलून्स देख पा रहे हैं, 3 कलर के बैलून हैं यहाँ पे लगे हुए। हमारे बगल में जो ट्रेन इधर लगी हुई है मुजफ्फरपुर इंटरसिटी है, इसकी भी हॉलिंग अभी चल रही है। ये वीडियो को बहुत ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं बहुत जल्दी इसको अब ख़त्म होने करने जा रहा हूँ। 5 मिनट हो रहा है और इसके बाद भी ट्रेन भागलपुर स्टेशन में जैसे एंटर करती है अगला सुंदर सा अपडेट मैं वहाँ से आपको दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं इसकी सजावट, ट्रेन को सजावा देखते हुए बहुत खूबसूरत। इस ट्रेन के साथ मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। पहली बार मैं 4 साल की उम्र में 1996 में इस ट्रेन से पहली बार मैंने ट्रैवल किया था और मुझे याद है वो लम्हा कि 4 साल की उम्र में कितनी अच्छी वो फीलिंग थी पहली ट्रेन जर्नी की। और सजावट का लगातार काम चलता हुआ, लोग मेहनत करते हुए। और मैं दूसरी आपको अपनी जर्नी एक्सपीरियंस बता दूं, 14 साल की उम्र में पहली बार अकेले गया था दिल्ली
समर कैंप अटेंड करने, तो भी इसी ट्रेन के साथ गया था। मंजूसा पेंटिंग भी इस ट्रेन में, ये भी आपको बता दूँ एक और एक्स्ट्रा फीचर, बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। हम आ गए हैं AC कम टू टायर कोच के पास, इसको भी आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर सजाया गया है। अब मैं आपको, आप देख पा रहे हैं पूरा ट्रेन, अब बाकी प्लेटफॉर्म पे जाके फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। चलिए धन्यवाद, मेरे चैनल से जुड़े रहें, और जो लोग नए पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।